Hello and welcome. We are here again with the new video of bulky marketing. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बटन सेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर और बटन एपीआई से किस तरीके से अलग है उसके वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करता है उसके लिए चलते सीधे मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यूजुअली सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही क्यूआर कोड स्कैन करके सिंगल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप एक साथ 10 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपको डिवाइस मेनू में जाना है, राइट साइड पे आपको क्रिएट इंस्टेंस दिख रहा है, आपको उसको नाम देना है। नाम देने के बाद क्रिएट कीजिए उसको और यहाँ पे आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है। दैट्स इट। इस तरीके से आप 10 क्यूआर कोड स्कैन करके एक साथ 10 व्हाट्सएप यूज कर पाओगे। हमने यहाँ पे 3 इंस्टेंस क्रिएट किए हैं डेमो के लिए। वेलकम मैसेज, जो लोग आपसे फर्स्ट टाइम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उनको एज अ वेलकम मैसेज सेंड करने की फैसिलिटी तो व्हाट्सएप भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में आप वेलकम मैसेज में कॉल टू एक्शन बटन ऐड कर सकते हो, जिसकी मदद से वो लोग डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप चैट में से ही कॉल कर सकते हैं, या तो फिर आप URL अपनी वेबसाइट की ऐड कर सकते हो ताकि न्यू कस्टमर भी आपकी डायरेक्ट वेबसाइट चेक कर पाए, या तो फिर आप उसमें लिस्ट और मेनू भी ऐड कर सकते हो ताकि आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप उनको एक वेलकम मैसेज में ही शो कर सको, जिससे आपका कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कि इस फीचर को कैसे यूज करना है। यहाँ पे हम वेलकम मैसेज मेनू में जाएंगे, राइट साइड पे आपको ऐड वेलकम मैसेज दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करते ही ये पैनल ओपन होती है। यहाँ पे आपको इंस्टेंस सिलेक्ट करना है कि किस इंस्टेंस के लिए आप वेलकम मैसेज क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे मैसेज टाइप, यहाँ पे आप टेक्स्ट, टेक्स्ट विद मीडिया, बटन, बटन विद मीडिया, लिस्ट और मेनू, लिस्ट और मेनू विद मीडिया। हम यहाँ पे लिस्ट और मेनू सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सिंपली कोई भी मैसेज टाइप करना है या तो फिर आप पेस्ट भी कर सकते हो, हमने पेस्ट किया है। अब चलते हमारा लिस्ट रेडी करने के लिए, तो सिंपली आपको यहाँ पे मेनू का टाइटल देना है। हम यहाँ पे ज्वेलरी का एक ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, तो ज्वेलरी लिस्ट लिख रहे हैं। मिडल टाइटल में लिख रहे हैं सिलेक्ट एंड फुटर टाइटल में क्लिक ऑन बिलो बटन। अब हमें हमारा मेनू रेडी करना है, तो यहाँ पे हम हमारी प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पे सिर्फ टाइटल देंगे, लाइक रिंग्स, नेकलेस, पायल, इयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन। इस तरीके से आप अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। दैट्स इट, आपका लिस्ट रेडी हो गया। एंड देन क्रिएट। तो यहाँ पे हमारा वेलकम मैसेज रेडी हो चुका है। अब चलते हैं ऑटो रिप्लाई मेनू पर। ऑटो रिप्लाई, कस्टमर के फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। आपको इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से ही उनको आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं ऑटो रिप्लाई में, ताकि हमने जो मेनू बनाया है उस मेनू में अगर कोई क्लिक करता है तो उनको क्या रिप्लाई मिलना चाहिए वो यहाँ हम सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए पहले ऑटो रिप्लाई में एड ऑटो रिप्लाई बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपने मेनू जो क्रिएट किया था वही कीवर्ड्स आपको यहाँ पे सजेशन में दिखेंगे, तो आपको उसमें से कोई सिलेक्ट करना है। देन इंस्टेंस आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन से इंस्टेंस के लिए आप ये ऑटो रिप्लाई सेट कर रहे हैं। देन आपके मैसेज का टाइप, हम यहाँ पर बटन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी मेनू आइटम की सब कैटेगरी हो तो आप यहाँ फिर से लिस्ट और मेनू सिलेक्ट करके सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे नीचे आपको मैसेज टाइप करना है या तो आप पेस्ट कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए फुटर टाइटल है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी आपके तरीके से। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्लिक बिलो बटन। अब यहाँ पे बटन टाइप में आपको दो टाइप मिलते हैं, कॉल बटन एंड URL बटन। पहले में हम कॉल बटन ले रहे हैं, बटन का टाइटल देना है, हम यहाँ पे कॉल नाउ दे रहे हैं। आपको फ़ोन नंबर ऐड करना है। अगेन आपको दूसरा बटन ऐड करने के लिए ऐड बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम URL बटन सिलेक्ट कर रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं वेबसाइट, सो यहाँ पे हम वेबसाइट की URL ऐड कर देंगे। देन क्रिएट, दैट्स इट। आपका ऑटो रिप्लाई
वो पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए सिलेक्ट हो चुका है। टेम्पलेट, सेम मैसेज आप एवरी टाइम मार्केटिंग के लिए यूज करते हो तो आप यहाँ पे टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम यही टेम्पलेट सिलेक्ट करके आप मैसेज क्रिएट करने का या फिर मैसेज टाइप करने का जो आपका टाइम है वो सेव कर सकते हो। अब टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है उसका एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे टेम्पलेट मेनू में जाना है, एड टेम्पलेट पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे पहले टेम्पलेट का नाम देना है। हम यहाँ पे मार्केटिंग टूल दे रहे हैं, साइड में है मैसेज टाइप, यहाँ पे जो जो टाइप्स है उसमें से हम अभी बटन सिलेक्ट कर रहे हैं। नीचे आप मैसेज टाइप करेंगे या तो फिर पेस्ट करेंगे, यहाँ पे फुटर टाइटल, यहाँ पे आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक बिलो बटन लिख रहे हैं, ऐड बटन पे क्लिक करना है ताकि यहाँ पे बटन ऐड होंगे। हम यहाँ पे क्विक रिप्लाई बटन ऐड कर रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, अगेन ऐड बटन पे क्लिक करना है ताकि दूसरा बटन आप ऐड कर सकें, अगेन क्विक रिप्लाई बटन ऐड कर रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं डेटा सॉफ्टवेयर एंड थर्ड ईमेल सॉफ्टवेयर, देन सिंपली हिट क्रिएट, दैट्स इट। आपका टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है, एवरी टाइम आप यही टेम्पलेट सिलेक्ट करके मार्केटिंग कर सकते हो। नंबर फिल्टर, आपके पास जो कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है उसमें से कई सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे जो लैंडलाइन नंबर होंगे, कई होंगे जो व्हाट्सएप पर अवेलेबल ही नहीं है, तो इस फीचर की मदद से आप जान सकते हो कि कौन से नंबर व्हाट्सएप पर अवेलेबल है कौन से नहीं है। तो देखते हैं कि ये नंबर फिल्टर कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको नंबर इंपोर्ट करने हैं, तो राइट साइड पे आपको दिख रहा है इंपोर्ट, यहाँ से आप एक एक्सेल शीट जो आपने रेडी की हो उसको इंपोर्ट करना है। आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, रिमूव डुप्लीकेट नंबर्स, तो आपकी एक्सेल शीट में जितने भी डुप्लीकेट नंबर होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। क्लियर इनवैलिड नंबर, तो आपका जो भी नंबर इनवैलिड होगा वो रिमूव हो जाएगा। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में कंट्री कोड नहीं है तो आप यहाँ से उसको इंसर्ट भी कर सकते हो। यहाँ आपका जो नंबर स्कैन है वो इंस्टेंस सिलेक्ट करना है, देन फिल्टर, आपके नंबर्स फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे। नंबर फिल्टर होने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शन दिखता है, क्लियर नॉन व्हाट्सएप नंबर, तो जो नंबर व्हाट्सएप पर नहीं है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। अब आपके जो नंबर फिल्टर हुए हैं आप उनको डायरेक्ट सेंडर लिस्ट में भी भेज सकते हैं और आप इन नंबर्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हमने हमारे नंबर को फिल्टर कर लिया है, हमने वेलकम मैसेज सेट कर लिया है, टेम्पलेट्स रेडी कर लिए हैं, ऑटो रिप्लाई भी सेट कर लिए हैं, तो अब बारी है मैसेज को सेंड करने की। सो अब चलते हैं सेंड मैसेज। सेंड मैसेज, हमने यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है तो हम टेम्पलेट सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने टेम्पलेट नहीं क्रिएट किया तो आप अपना मैसेज क्रिएट कर सकते हो। देन इंस्टेंस, आपको यहाँ पे जो नंबर से मैसेज सेंड करने हैं वो इंस्टेंस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे इंस्टेंस सिलेक्ट कर लिए हैं। हमने यहाँ पे नंबर फिल्टर से डायरेक्ट नंबर इंपोर्ट किए हुए हैं, आप मैन्युअली भी नंबर इंपोर्ट कर सकते हो। सिंपली आपको नीचे कैंपेन का नाम देना है एंड देन सेंड, आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। That's it. तो हमने जो भी मैसेज सेंड किए हैं उसमें से कितने सेंड हुए, कितने नहीं हुए, कितना पेंडिंग है, ये सारी डिटेल्स हमें रिपोर्ट मेनू में मिल जाएगी। तो चलते हैं रिपोर्ट मेनू में। रिपोर्ट व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करने पर आपको रिपोर्ट मिलेगा कि कितने नंबर में मैसेज सेंड हो चुके हैं, कितने पेंडिंग है, ये सब रिपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आपका कैंपेन रनिंग है और उसको आप पॉज करना चाहते हो तो आप पॉज कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, एंड पॉज किए हुए कैंपेन को आप रिज्यूम भी कर सकते हैं। ग्रुप ग्रैबर, हमारे फ़ोन में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसके सारे कॉन्टैक्ट्स तो हमारे फ़ोन में सेव नहीं होंगे, तो उन नंबर पे मार्केटिंग करने के लिए आप ग्रुप ग्रैबर का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टेंस को सिलेक्ट करना है कि कौन से व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से आपको ग्रुप के कॉन्टैक्ट निकालने हैं, और बाद में आपको फेच ग्रुप करना है, तो आपके वो व्हाट्सएप नंबर पे जितने भी ग्रुप्स अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। अब आपको उसमें से कोई भी ग्रुप सिलेक्ट करना है, 2-3 जितने भी आपको सब के सब सिलेक्ट करने हो तो भी आप कर सकते हो। बाद में आपको इंपोर्ट ऑल करना है, तो आपके उन ग्रुप्स में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब इन कॉन्टैक्ट्स को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, आप इन कॉन्टैक्ट्स को सेंडर लिस्ट में भी शेयर कर सकते हो, और इन कॉन्टैक्ट्स को आप क्रिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट भी कर सकते हो। दैट्स इट। कॉन्टैक्ट्स,
हम जब मार्केटिंग करते हैं तो उन्हीं को रीटारगेट करने के लिए अगेन आपको वो एक्सेल शीट ढूंढनी पड़े, अगेन नंबर फिल्टर करना पड़े, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम ये नंबर को यहाँ सॉफ्टवेयर में ही एज अ कॉन्टेक्ट लिस्ट सेव करके अगेन इजीली यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको नंबर फिल्टर मेनू में जाना है और यहाँ पे नंबर इम्पोर्ट करना है। आप एक्सेल शीट भी अपलोड कर सकते हो, हम मैन्युअली अपलोड कर रहे हैं। ये नंबर हो गए और यहाँ पे इम्पोर्ट। यहाँ पे आपको इंस्टेंस सिलेक्ट करना है एंड देन फिल्टर। आपके नंबर्स फिल्टर हो जाएंगे और आपको सिंपली क्रिएट कॉन्टेक्ट लिस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लिस्ट 1 लिख रहे हैं एंड देन क्रिएट। तो हमारी जो लिस्ट क्रिएट हुई वो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में दिखेगी। यहाँ पे आप लिस्ट को व्यू कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और इस कॉन्टेक्ट लिस्ट को आप सिलेक्ट करके इम्पोर्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब इन नंबर्स को आप डायरेक्ट सेंडर लिस्ट में भी सेंड कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। दैट्स इट। सेटिंग्स, स्विच अकाउंट आफ्टर आपको देख रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे 5 लिया हुआ है। हमने यहाँ पे 3 इंस्टेंस ऐड किए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी 5 मैसेज आपका इंस्टेंस रोटेट होगा, यानी कि पहले इंस्टेंस में से 5 मैसेज जाएंगे, फिर दूसरे इंस्टेंस में से 5 मैसेज जाएंगे और लास्ट में तीसरे इंस्टेंस में से 5 मैसेज जाएंगे। अब ये साइकिल रोटेट होगी। डिफ़ॉल्ट कंट्री कोड, यहाँ पे आपको एक कंट्री कोड सिलेक्ट करना है ताकि एवरी टाइम जब भी आप कंट्री कोड को सिलेक्ट करना हो तो वही कंट्री कोड आपको फर्स्ट में दिखेगा। देन है डिले बिटवीन मैसेज, हमारे जो 2 मैसेज जाएंगे उन 2 मैसेज के बीच में कितना टाइम रहेगा वो यहाँ पे आपको सेट करना है। हमने यहाँ पे 3-5 सेकेंड सेट किया है, लेकिन अगर आप अपनी कोई बड़ी फाइल इसमें अटैच करते हो तो आप ये टाइम बढ़ा सकते हो, जिसकी मदद से आपका मैसेज फेल होने का चांसेस कम हो जाएगा। देन है लिप बिटवीन सेंडिंग, तो यानी कि आपके सॉफ्टवेयर को आप इतना टाइम के लिए ब्रेक दे रहे हो। हमने यहाँ पे 25 मैसेज रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 25 मैसेजेस हमारा सॉफ्टवेयर 10 सेकेंड के लिए ब्रेक लेगा। अगेन फिर से 25 मैसेजेस सेंड होंगे, 10 सेकेंड के लिए ब्रेक लेगा। सेंड मीडिया बिफोर मैसेज, आप मीडिया भी भेज रहे हो, आप टेक्स्ट मैसेज भी भेज रहे हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको मीडिया पहले भेजना है। सेंड पैरेलल मैसेज फ्रॉम इंस्टेंस, अगर ये फीचर एनेबल है तो आपके सारे इंस्टेंस में से एक साथ मैसेज सेंड होगा, और अगर ये फीचर डिसेबल है तो पहले इंस्टेंस में से मैसेज सेंड होगा, फिर दूसरे इंस्टेंस में से एंड देन तीसरे इंस्टेंस में से, तो वो 1x1 इंस्टेंस में से मैसेज सेंड होते रहे। तो यहाँ हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो कंप्लीट हुआ है। इस सॉफ्टवेयर में आपको अगर कोई भी क्वेरी है या तो कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारे फर्स्ट 100 यूजर्स को हम ये सॉफ्टवेयर 1 मंथ के लिए फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।